आपने ये किया, उसको बंद किया, साइलेंट किया? तुझे साइलेंट करने के लिए बाहर जाना पड़ रहा है, यही करो, क्योंकि यू आर नॉट एक्सपर्ट। तुरंत मोड साइलेंट मोड कर दो। तो बोल वृंदावन बिहारी लाल के। फिर उसके बाद क्या हुआ, उसने अपने कोर कमेटी को बुलाया रात में, सोचा कि बताओ क्या करना चाहिए। एक ने कहा, हाँ अभी क्या हुआ, कंस के अंदर देखा कि ये डर गया है। जब मनुष्य डर जाता है ना तो 100 करोड़ आध्यात्मिक हो जाता है। तो वसुदेव देवकी के पास आया, आकर के बोलने लगा, गलती हो गई, तुम्हारे 6-6 बच्चे को मैंने मार दिया, 7वां बच्चा गर्भपात हो गया, 8वीं ये सुंदर कन्या भी हुई थी, ये पता नहीं देवी बन गई, अब क्या होगा। बोल रहे हैं कि काल है, छोड़ो तुम, इसलिए दुखी मत हो। बहुत ही सुंदर उपनिषद प्रवचन दिया, शरीर मरता है आत्मा नहीं मरती है, ऐसे भाषण दिया। उसको बोलते हैं राक्षस उपनिषद, राक्षस वेदांत। उसने सुंदर प्रवचन दिया, उसके बाद इधर प्रवचन तो दे दिया, उधर क्या करने लगे, सबको बुलाया रहा था। ये पूरा पॉलिटिशियन जैसा, आप किसी एक गेदर में आते हैं कुछ अलग बोलते हैं, फिर उधर जाते हैं कुछ अलग प्लान करते हैं, इस ढंग के वो किया, बुलाया सब। सुनो, एक देवी निकली और कहा कि मेरा अष्टम गर्भ जन्म हो गया है, छोटा बच्चा है, कहाँ जन्म हुआ है पता नहीं, बताओ क्या करना चाहिए। एक ने कहा कि आसपास के जितने गांव है जला डालिए। अरे बेकूफ, दूसरा ही बात कर रहे, जला डालेंगे तो फिर मुश्किल होगा, गृह युद्ध हो जाएगा, लोग नाराज हो जाएंगे। एक ने कहा कि बुलडोजर लाओ, दूसरे ने कहा कि तुम योगी थोड़ी है कि बुलडोजर लेके आएंगे, चुप, ये मेथड बता रहे हो। एक ने कहा कि छिप छिप करके ढूंढना है बच्चे को और मारना है, कैसे करना, बकासुर और अघासुर वो भी बैठे थे, क्योंकि कहा कि हे महाराज, आपको एक बताऊं ना, मेरी एक बहन है, उसका नाम है पूतना, वो उसके पास बहुत पावर है, वो सुंदर स्त्री बनेगी और अपने स्तन में जहर रखेगी। तो सुन रहा था, उसके बाद दूध पीने के बहाने जहर दे करके बच्चे को मार देगी। कंस ने कहा, दिस सिम्स गुड, इंग्लिश में कहा, दिस सिम्स प्रैक्टिकल, इट इज ग्राउंड लेवल रियलिटी, दिस इज गुड। सब खुश हो गए, कंस राजी हो गया, बोला बकासुर ने याद किया, पोतना आपड़ी, कुछ एक्सपेरिमेंट कराओ, आई विल सैटिस्फाई इफ यू शो सम एक्सपेरिमेंट। उसने क्या किया, ए उधर जल रहा है, पोतना ने वहां जला दिया एक्सपेरिमेंट में, उसको बंद करो, इसलिए स्मेल हुआ। उसने क्या किया, एक पेड़ को बुझाओ, हाँ हो गया,
उतना ने एक्सपेरिमेंट किया इसलिए ऐसे हुआ है। ठीक है, उसने एक पेड़ को लिया और अपने जहर दिया, पेड़ सूख गया। उसने एक बच्ची को ले आया मथुरा के और कहा कि राजन इस बच्ची को मैं मारूं, हम मारो एक्सपेरिमेंट के लिए तो करना पड़ता है। तो उसने जहर के साथ दूध पिलाया, बच्चा मर गया। ब्यूटीफुल गो। अब उसने क्या किया पता तो है नहीं, कहाँ है। सुना उसने नंद बाबा के वहां बच्चा पैदा हुआ है, अब थोड़ा सा इधर रखो, वो लोग जो मीटिंग कर रहे हैं, हम लोग का जो लाइट है फोकस, वो थोड़ा नंद बाबा के घर में ले आते हैं। और जब सवेरे पता चल गया कि नंद बाबा का एक बेटा हुआ है, सब नंद बाबा आदि खुश हुए, बहुत ही आनंद लगा और खुश होकर के गोकुल में नंद उत्सव हो गया। इसलिए जैसे भय प्रगट कृपाला है ना, ऐसे ही है, भय प्रगट कृपाला दीन दयाल यशुमते के हितकारी, हर्षित महतारी रूप निहारी मोहन मदन मुरारी। ऐसे सब स्तुति करके गीत गाते हैं गोपियां, नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल के गीत गाते हैं, बड़े खुश होते हैं। यशो तो माया सब कुछ दे रही है, किसको हार दे रही है, नंद बाबा भी गाय दे रहे हैं और पहले भी संकल्प लिया था कि हमारा अगर बच्चा होगा हम ये देंगे। देखो यशोदा का अर्थ क्या पता है, बुद्धि है, जिस बुद्धि में यशम ददाती दूसरे को यश देती है। और नंद कौन पता है, मन जो कि नंद है, मन जो आनंद है नंद, योग रतो बा भोग रतो बा संग रतो बा संग विहीना तस्य रमते चित्तम नंदति नंदति नंदत्येव। जो मन परमात्मा में आनंदित होता है, परमात्मा में लीन होता है, रमण होता है, यस्य चित्तम रमणे वो ही आनंद होता है। तो मन जब आनंद हो जाता है वो नंद है, बुद्धि जब यशोदा यशम ददाती फैल जाती है, एक्सपेंशन नट संकुचित, वहां पर भगवान खेलते हैं, वहां पर भगवान आते हैं। गोकुल, गो माने इंद्रिय, कुल माने समूह, तो इंद्रिय का समूह ये शरीर, इस शरीर में ही नंद है मन, इस शरीर में ही बुद्धि है यशोदा, इस शरीर में ही गोपियां हैं वृत्तियां, अनेक अनेक वृत्तियां जो है गोपियां हैं। तो कृष्ण ये गोकुल शरीर है खेलते हैं, तो खुशी हो रही है, सब लोग आ रहे हैं, सब आनंद दे रहे हैं। अब भगवान को 7 दिन हो गया, सप्तक, इन लोगों को मीटिंग करते करते 7 दिन चला गया। जब कृष्ण जन्म हुए उसके बाद मीटिंग करते, 1-2 दिन में मीटिंग करेगा, सबको बुलाएगा, फिर पुतना अपना प्लानिंग कर रही है, अभी बहुत दिन पहले एक्सपेरिमेंट की थी, अभी एक्सपेरिमेंट जैसे कि मिशन, कोई जनरेटर कोई मिशन चलता नहीं है ना, बंद हो जाता है, फिर चलाने में बहुत समय लगता है, प्रैक्टिस जरूरत है। तो पुतना ने प्रैक्टिस किया, तो 6ठा दिन खत्म हो गया। भगवान कृष्ण के 7वां दिन है, जब 7वां दिन है भगवान कान्हा सोए हुए। रोज क्या होता था पता है, यशोदा माँ दूध देती थी, बच्चे लोग तो आपको पता ही है 20-22 घंटा सो जाते हैं, 1-1.5 घंटा 2 घंटा 4 घंटा उठते हैं फिर सोते हैं, पीते हैं सोते हैं, खाते हैं सोते हैं। अब कृष्ण लीला बहुत सुंदर करेंगे, बचपन लीला शिशु लीला, सोए और उतना अलग अलग गांव में घूम घूम के जो नए बच्चे पता चला कि आज ही जन्म हुआ उसको दूध के बहाने मार दिया, ऐसे करते करते वो आ रही है, जान लिया कि नंद बाबा के यहाँ एक बच्चा पैदा हुआ है। तो आकर के
यशोदा उसको कहते हैं जो सरल है, बहुत सरल थे वो, दूसरे को ही श्रेय देते थे। उनके नंद बाबा के गुरु का नाम है सांडिल्य और गुरु का माँ का नाम है पूर्णमासी। जब बच्चे पैदा नहीं हुए थे कृष्ण, तो उनके माध्यम से उन्होंने जाप रखा था, अनुष्ठान रखा था, इसीलिए सब गोपियों को कहते हैं ये मेरी बच्चा नहीं तुम्हारे भी है, क्योंकि तुमने भी जप किया है, तुमने भी अनुष्ठान किया, इसी को कहते हैं यशोदा। तो कोई भी गोपियां आती हैं, कोई भी गोपी आकर के कान्हा को पकड़ते हैं, ये सब गोपियां कौन है? ऋषि है। मैं एक एक बताऊंगा कौन कौन गोपियों का नाम, कौन से ऋषि का नाम थे। तो सब लोग खुश होकर के कान्हा को पकड़ते हैं, यशोदा कभी मना नहीं करते, हम लोग शकुन अपशकुन हो जाएगा, काला दाग देंगे, फिर इसलिए वो क्या करते हैं, बच्चे को छूने नहीं देते। मगर वो यशोदा है, कोई भी गोपियां हैं छू सकते हैं, इसीलिए ये गोपी बन करके आई है पुतना। जब पुतना गोपी बन करके आई है और कहने लगे सुनो मैं बरसाना से आई हूं। देखो बरसाना के प्रति नंद बाबा और यशोदा के एक सॉफ्ट कॉर्नर है, कीर्तिदा उनके माँ का नाम, कौन? राधा का। तो इसलिए वो क्या है, सॉफ्ट कॉर्नर के नाम पर वो जानती है पुतना, मैं बरसाना से आई हूं, मेरे पुत्र मर गया, झूठ तो बोलना ही पड़ेगा ना, मेरे दूध मगर बह रहा है, मैंने सुना है तुम्हारा एक लाला हुआ है और तुम्हारा दूध हो नहीं रहा है, मैं दे दूं? अब यशोदा माँ बच्चा हुआ है, अलग अलग फंक्शन हो रहा है, मंगल कामना हो रही है, जिस घर में बच्चा पैदा हो जाता है अलग अलग सब फंक्शन होता रहता है, आज वो कल वो पूजा, कल वो पूजा, कुल गुरु पूजा, कुल देवी पूजा, देवता पूजा, वो व्यस्त है, सामान इकट्ठा हो रहा है, वो सब हो रहा है, कोई आ रहे तो उनको देखभाल कर रहे हैं, किसी को पानी दे रहे हैं, किसी को दूध दे रहे हैं, किसी को दही दे रहे हैं, किसी को चाय दे रहे हैं, तो इधर अंदर कान्हा सोए हुए हैं, ताकि ठीक है तुम जाओ मेरे बच्चे को दूध दे दो। अब भगवान कृष्ण आंख बंद किए हैं, ठीक है, जब भगवान कृष्ण आंग बंद किए हैं इसी समय पुतना आई। पुतना जब आई तब भगवान कृष्ण आंख बंद किए खोल नहीं रहे, क्यों? सो मेने कारण है, कुछ कारण हम देखते हैं। एक कारण है ये जो सूर्य और चंद्र है ना, ये भगवान के आंख में बैठे हैं, वो बोल रहे बाबा बाबा बाबा, ये सूर्य चंद्र मंथन के समय में हम लोग हैरान हुए थे, राहु के तो ये पता नहीं पुतना आ गई है। और पुतना माने अध्यात्म में अविद्या, प्रकाश अंधकार, और जब अविद्या भगवान के सामने रह नहीं सकती, इसलिए भगवान आंख बंद कर रहे हैं, लीला नहीं होगी। मैं एक एग्जांपल देता हूं, जैसे आग है और आग के सामने कोई प्लास्टिक के कोई मोमबत्ती के मूर्ति रहेगी वो पिघल जाएगी, ऐसे ही यही अविद्या रूपिणी है वो पिघल जाएगी, इसलिए भगवान कहते हैं थोड़ा आंख बंद करें। फिर कहते हैं मैं पिछले अवतार में जब राम बना था तब गुरुदेव विश्वामित्र के साथ जब जंगल जा रहे थे, वहां पर भी पहली एक स्त्री थी, राक्षसी थी, उसका नाम क्या था? ताड़ का, उसको मरना पड़ा। अच्छा उस समय तो मैं 16 साल का लड़का था, अभी तो मैं 7 दिन का है, उस समय तो गुरु के आदेश पर मैंने किया था, अभी तो मैं छोटा 7 दिन का है, अब किसके आदेश? तो बेटर भगवान शंकर ही, शंकरम गुरु, आंख बंद करके याद करे प्रभु मारू, यूं आंख बंद कर रहे। फिर है, अच्छा ये श्लोक पढ़ लेना, अब ये आई है आकर के क्या कर रही है देखना,
कौन से श्लोक है? हाँ, 6-8 लिखा हुआ है, ठीक है। विबुध्यतां बालकमारिकाग्रहं चराचरात्मा सनमीलिते क्षणः अनंतमारुपयदंकमंतकम् यथोरगम सुप्तमबुद्धिरज्जुधेः। अर्थ ये है कि तम अद्भुतम बालकम मुंजे क्षण, सॉरी, विबुध्य तम बालकम मारिका ग्रहम, अर्थात ये श्री कृष्ण सबके आत्मा है, चराचर आत्मा। निमीलित इक्षण, आंख बंद हुआ है, बंद हुई है, ऐसे उतना जो ग्रह है वो मारने के लिए आई है, ठीक है। और भगवान कृष्ण सोए हुए हैं, उनको पकड़ रही है, तो क्या प्रॉब्लम है? वेद व्यास लिखते हैं ये खुद मरने के लिए आ रही है। एक एग्जाम्पल है, जैसे प्रकाश है, दीप है, और एक कीड़ा आती है, वो आकर्षण होकर के खुश होती है, इतना सुंदर अग्नि है, प्रकाश है, मगर नहीं, मरने के लिए आती। दूसरा एक एग्जाम्पल वेद व्यास जी देते हैं, जैसे छोटा बच्चा नहीं जानता है सांप को रस्सी समझ करके पकड़ता है, हम लोग वेदांत में क्या करते हैं, बोलते हैं रस्सी में सांप देखते हैं, और यहाँ एग्जाम्पल देते हैं सांप को, वो बच्चा अज्ञान अबोध बच्चा जान नहीं पाता है सांप पड़ा हुआ है, मगर सांप पड़ा हुआ सोया हुआ है, सुप्त लिखा हुआ है, सुप्तम अबुद्धि रज्जुधी, रज्जुधी माने रज्जु बुद्धि, मगर रहा कहाँ है? यथा उरगम, उरग माने जो दिल में चलता है, हृदय में चलता है, उरग तो सांप, तुरग माने घोड़ा जल्दी चलता है, नग माने नहीं चलता है, कौन है? पहाड़। खग माने आकाश में चलता है, वो पक्षी है, कितना सुंदर संस्कृत है, खग पक्षी, नग पहाड़ चलता नहीं है, उरग दिल में चलता है, उसका तो पैर नहीं है ना सांप का, हाथ भी नहीं है, तो अपने जो पिछले अंश से ही चलता है दिल से ही, इसलिए उरग, तुरग जल्दी चलता है थोड़ा, उरग को अबोध बालक रज्जु बुद्धि समझ करके पकड़ता है, वैसे ही कुतना भगवान कृष्ण को साधारण बालक समझ करके पकड़ा है, और देखना अभी क्या हालत होगी, ठीक है। अब पकड़ लिया, पकड़ जब लिया उसने सोचा मैं तो सुंदरी बन करके आई हूं, जब तक सुंदरी बन करके मैं आऊं तब तो मुश्किल होगा, हाँ, और आंख बंद किया उसका कारण क्या है? ये जो पुतना आई है मुझे दूध भी दे रही है, दूध कौन देती है? माँ देती है, तो ये माँ का भाव भी इसके पास है, अर्थात बच्चे को दूध देना माँ के पास है भाव। द्वितीयतः मुझे मारने के लिए भी आई, ऐसे डबल डबल कंट्राडिक्शन, माँ भी बनेगी और मारेगी, ये पूर्व जन्म में क्या किया था उसने? तो उनको याद आ गया, भगवान है ना, आंख बंद कर याद करते हैं, अब जानो उतना के पूर्व जन्म क्या था। जब पूर्ण रूप में भागवत सुनते हैं वामन अवतार के समय में एक कथा है, बलि राजा की पत्नी का नाम है विंध्यावली, विंध्यमाला, और लड़के का नाम है रत्नमाला। बलि राजा जब अष्टम स्कंद में यज्ञ कर रहे थे, वामन भगवान उनसे सब कुछ लेंगे, सुंदर है, 8 साल का लड़का है, मुंडन है, व्रत है, सब लोगों ने दिया उनको अलग अलग ड्रेस, टोपिनी,
व्रत छत्र जोता सब दिया है सब देवता लोग। और जब आए तो बलि राजा भी उड़ गए। इतना सुंदर कोई हो सकता है? ब्राह्मण है, पूछा, हे युवक ब्राह्मण तुमको क्या चाहिए? उस उन्होंने कहा मुझे सिर्फ 3 पैर जमीन चाहिए ध्यान करने के लिए। तुम मांगो, वो तो प्रसंग अलग अलग है। इसमें रत्नमाला जब सुंदर बामन को देखा, क्या भावना आई सुन लीजिए, आहा इतना सुंदर लड़का है ना, काश मेरा पुत्र होता कि मैं उसको दूध देती। देखो तो भगवान को लेकर के जो भी जो सोचेगा भावना करेगा वो पूर्ति करेंगे भगवान। भगवान ने कहा तथास्तु, ठीक है मौका मिलेगा तुम मुझे दूध देगी। भगवान जानते हैं, ये नहीं जानते, बहूनि में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि नत्वं वेत्त परंतप। भगवान चतुर्थ अध्याय कहते हैं अर्जुन तुम और हमारा ना अनेक जन्म है, मैं जानता हूं तुम नहीं जानते हो। भगवान बामन रूप में जानते कि मैं कृष्ण बनूंगा, उस समय तुम आओगे मुझे दूध दोगी। अच्छा अभी क्या हुआ, मांग लिया, विराट हो गए भगवान। विराट जब हो गए और बलि को धकेल दिया तृतीय पैद में, सुतल लोक को भेज दिया, तब उनकी जो बेटी है वो सकरनारी, ये खतरनाक लड़का है, छोटा लड़का था और बड़ा बन गया, मेरे पिताजी को ऐसे कर दिया, इसको तो जहर दे करके मारना चाहिए। भगवान स्माइलिंग करके कहते तथास्तु, समझ में है? अर्थात 1 सेकंड के पहले मां बन रही थी, दूध दे रही थी, अभी क्या बोल रही है, इसको तो जहर दे देना चाहिए। भगवान ने कहा तथास्तु, वो ही रत्नमाला आज पुतना बन करके आई है। भगवान साधकानां हितार्थाय ब्रह्मणः रूपकल्पना, आज के प्रवचन स्टार्टिंग में यही बताया था ना मैंने, भक्तों के हित के लिए। ये भी भक्त है क्योंकि भगवान को लेकर के जो चिंतन करेगा वो भक्त है, मारने के लिए भी चिंतन करेगा रावण भक्त है, शिशुपाल पानी पी पी करके चिंतन करता था वो भक्त है। शिशुपाल जब मरा सभा में सब आश्चर्य हो गए, उनके जो शक्ति है शिशुपाल के जीवात्मा, भगवान में लीन हो गया। इसलिए युधिष्ठिर नारद जी को पूछ रहे हैं ये कैसे हुआ, तब वो बताते हैं ऐसे। तो भगवान जानते हैं ये रत्नमाला है, आज पूतना बन करके आई है और इधर इसलिए आंख बंद कर ले। अब ये पूतना ने पकड़ लिया, पकड़ करके क्या कि बाहर चली गई। क्यों? घर के अंदर रहेगी, उसको ओरिजिनल राक्षसी बनना है तो घर के अंदर तो हो नहीं सकता है, इसलिए खलियान है ना, जो खलियान है वो बाहर चली गई और विराट राक्षसी बन गई। बड़ा बड़ा दूध था, दूध के साथ जहर है, वो दे रही थी कि बच्चा मर जाएगा। मगर कान्हा तो 7वां दिन में ही छक्का चौका लगाने वाले हैं, तो उन्होंने क्या किया, दूध भी पिया, जहर भी पिया और प्राण भी पिया, और बहुत चालाक है, उन्होंने कहा कि दूध बच्चा पीता है मैं ले लेता हूं, जहर भगवान शंकर आप एक्सपर्ट है आप ले लो, और प्राण यमराज तुम इसी के लिए हो प्राण ले लो। तो भगवान ने बांट देते हैं, टिप टप कर देते हैं, जिसको दूध में बच्चा हूं 7 दिन का बच्चा हूं दूध पी सकता हूं ले लो। अब वो रोने लगी, क्या देखना आगे 6:11 में, सामुंच मुंचालमिति प्रभाषिणी। अच्छा वो तो रो रही है, आपको क्या प्रॉब्लम हुआ, आप क्यों गा नहीं रहे हो? सामुंच मुंच मिशालमिति प्रभाषिणी निष्पिड्यमाना अखिल जीव वर्मणि विवृत्य नेत्रे चरणौ भुजौ मुहुः प्रसन्न गात्रा क्षिपतिरुरुदः। प्रसन्न गात्र क्षिपति रुरुदः,
गात्र माने शरीर, शरीर के जो मर्म स्थान है वो फटने लगे, फट गई। भगवान खुद अंत कह, तो इसलिए वो जब लिया तो उसके जो मर्म स्थान है वो सब फटने लगे। और क्या हुआ, तो कह मुंच 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 माने छोड़ो छोड़ो छोड़ो, मुंच का अर्थ है छोड़ो छोड़ो। सा मुंच मुंच, देखो श्लोक देखना, सा मुंच सा माने वही पतना, सा मुंच मुंच आलमिति प्रभाषिणी, बोलने लगे प्रभाषिणी मैंने बोलने लगे, सा मुंच मुंच प्रभाषिणी बोलने लगी, हो गया बोल करके बार बार अपने हाथ पैर को पटक कर रोने लगी, नेत्र उसका उलट गए और सारा पसीना शरीर से और गिर गई। और फिर भी भगवान ने उसको कान में थोड़ा सा कह दिया, क्या कहा बताओ, यहां नहीं लिखा है फिर भी बता दो, आप लोग हाँ ही नहीं बोल रहे हो तो मैं क्यों बताऊं। बोले पुतना ना, मैं किसी को पकड़ता नहीं हूं, अगर एक बार पकड़ लिया तो ये आधा आप जानते थे। बोल वृंदावन हरी लाल की, भगवान किसी के पकड़ में नहीं आते। सूरदास ने कहा ना, प्रभु बाहर सत्य में पकड़ में नहीं आए, अंदर से कहां जाओगे। गणयामि ते पौरुषम, आपके पुरुष पौरुष तक में जानूंगा जब अंदर से निर्याति से निकल जाओगे। तो भगवान कहते मैं पकड़ता नहीं हूं, और एक बार किसी को पकड़ता हूं तो छोड़ता नहीं। नमे भक्त प्रणश्यति, गीता नवम अध्याय, मेरा भक्त कभी भी नष्ट नहीं होता है, ये है नियम। दो श्लोक इससे कनेक्टेड है, पूतना लोक बाल राक्षसे रुधिरासना जिघंसयापि हरये स्तनं दत्वापसद गतिम। कहते हैं भगवान ने क्या किया, वर्णन है कथा में, मैं 5 मिनट ले लेता हूं। उसमें वर्णन है कि सब लोग दौड़ गए, बच्चा कहाँ है बच्चा कहाँ है, यशोदा देखने लगी, सब दौड़ गए। जब दौड़ करके ये तो देख विराट कोई राक्षस ही है, और उसके ऊपर पहाड़ जैसा है, उसके स्तन के ऊपर काना मुंह लेकर के बैठे हैं। तो कोई बड़े जो थोड़ा पुरुषार्थ थे, जो नंद बाबा के सब जगुआर लोग सैनिक लोग थे, साहसी लोग है, वो गए और कान्हा को लेकर के आगे यशोदा को दे दिया, यशोदा मां लेके आई। इसी समय नंद बाबा वार्षिक कर देने के लिए कंस के पास गए थे, दे दिया। कंस भूत जैसे वसुदेव को प्यार करता है ऊपर से, नंद बाबा को भी प्यार कर, नंद भी बहुत सरल है। हाँ सुना तुम्हारा दो दो बेटे पैदा हुए, बहुत अच्छा ऐसे करके, मगर मन में कंफर्म करने के लिए, फिर उसको पता है वहां गए हैं, शायद अगर इसका बेटा उसका होगा तो ये मर जाएगा, उतना गई है। ऐसे करके बातें हो गई, दही दूध जो टिकस में देना दे दिया। उनके मन में आया वसुदेव से मिलना है, वसुदेव से मिल ले। वसुदेव तो जानते हैं नंद बाबा के घर ही मेरा बेटा है, बातें हुई और कहा वसुदेव ने, नंद बाबा भाई है ये नंद, तुम यहां रुको मत, उत्पात कुछ होने वाला है, अघटन घटने वाली है, तुम छोड़ करके ज्यादा मत आओ, अभी रहो। ठीक है, प्यार के कारण बोल रहे। और जब ये घटना सुनी कि एक राक्षस से आई थी मरने के लिए, तब कहा कि वसुदेव जरूर पूर्व जन्म में कोई महापुरुष थे, उनको उनके बारे में मैंने सुना है, ऐसे थे और सचमुच वो ठीक थे। इधर नंद बाबा आए और बताया गया, ब्राह्मण लोगों ने बताया कि पूजा करो कान्हा के लिए। तो कान्हा को रखा गया, गोबर लाया गया, पानी लाया गया, चंदन लाया गया, और पूजा करके ओम गोविंदाय नमः, ओम मधुसूदनाय नमः। कान्हा ने कहा मेरे नाम पर ही मुझे बिल्ली म्याऊ, मैंने भगवान के नाम पर ही करवा रहे हैं। तो भगवान कहता अच्छा, मेरा विष्णु का नाम मेरे ही सब कुछ करवा रहे हैं, ओके। ऐसे ये आनंद है। फिर कह गया इसे क्या करना, इतना बड़ा है कैसे जलाएंगे, उसको काटा शरीर उसका, पुतना का, पुतना का जो काटा और जलाया, क्योंकि भगवान ने टच किया था, भगवान ने स्तन पिया था,
चंदन सुगंध आने लगा, कोई दुर्गंध नहीं हुआ। सब आश्चर्य होने लगे, ये कैसे संभव है। ऐसे देखो श्लोक देखना 35 में, पूतना लोक बाल अग्नि, पूतना जो लोगों को मारने वाले हैं राक्षसी, रुधिरा सना, रुधिर माने खून, खून को खाने वाली, जिघांसयापी हराए, वो मारने के लिए आई थी, फिर भी स्तन को भगवान ने टच करने के कारण उसको सदगति दे दिया। भगवान ने यही सोचा था, मरने के लिए आई है बे, क्या दूं सदगति। वो बोल रहे किम पुनः श्रद्धया भक्तिया क्षति। कृष्णाय परमात्मा ने जो श्रद्धा में भगवान की भक्ति करते हैं, जो श्रद्धा में भगवान को छूते हैं, जो भगवान श्रद्धा में गोपी लोग दूध देते हैं, उनकी क्या गति नहीं होगी। यच्छन प्रियतमम किम नो रक्तातन मातरोयता, जो माँ है जो प्यार करती है, मातर माने सिर्फ यशोदा नहीं, सिर्फ देवकी नहीं, सिर्फ रोहिणी नहीं, सब गोपियां जिसके अंदर माँ का भाव है, उनकी क्या गति नहीं होगी। धन्य है वो, धन्य गोपियां, धन्य यशोदा। इस प्रकार के पूतना के बध जब हुआ, उसके बाद भगवान के नामकरण होगा। तो नामकरण गर्गाचार्य आएंगे, कैसे नामकरण होगा। उसके बाद भगवान उलूख लीला और चोरी लीला, भगवान एक कमिटी बना रहे हैं, जैसे आपके कमिटी है ना यहाँ चिन्मय मिशन डेहराडून कमिटी, तो इसी प्रकार वहां एक कमेटी बनेगा, उस कमेटी का नाम बता दो, फिर कल वो कमेटी क्या क्या कार्यकारिणी करेंगे बताएंगे। ब्रजमंडली माखन चोर कमेटी, क्या कमेटी का नाम है, ब्रजमंडली माखन चोर कमेटी। उसका प्रेसिडेंट कौन है, भगवान कृष्ण। ट्रेजरर जरूरत नहीं, बोलते नो, ट्रेजरर माने पैसा रखना पड़ेगा ना, संस्था चलाने के लिए पैसा चाहिए, बोलते नो रखना नहीं है। और एक ही काम है, कहां दूध दही माखन, मुख्यतः माखन चोरी करना है और बांट देना है, बस ये कमिटी का काम, और बाकी सब मेंबर है वो कल लीला देखेंगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल के, चलिए आरती करें। मंगल आरती प्रिया प्रीतम के।